नमस्कार, मैं कविता मनीष उपाध्याय सिख वॉइस ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत करते हूं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान मंजीत सिंह जी के ने अपने प्रतिनिधियों के साथ अमेरिका दौरे को सफल बताया। साथ ही मंजीत सिंह जी के ने बताया, गुरु पतवंत सिंह जिस तरह से सिख कौम के भोले भाले सिखों को गुमराह कर रहे हैं, उसके बारे में भी हमने अमेरिका की लीडरशिप से बात की है। और सबसे अहम हमारी जो बात अमेरिका में हमने उठाई है, वो है सिख रेजिमेंट बनाने की। आइए सुनते हैं मंजीत सिंह जी के प्रधान DSGMC को। अमेरिका का दौरा अकाली दल की सीनियर लीडरशिप का बहुत वधिया रहा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों ने उतो दिता। लेकिन जेड़े गुरपतवंत सिंह पन्नू ने उन्होंने जेड़ा उत्थे स्कैंडल बना के रखिया, वो स्कैंडल की इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए है कि किवें लोगों नू समन कराते ने, ब्लैकमेल करते ने और फिर सौदेबाजियां करते ने। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी उतों के जेड़े पोलिटिकल असाइलीज ने उन्होंने मुकदमे लड़न तैयार है। उन्होंने इत्थे पासपोर्ट और उन्होंने वीजे वास्ते सरकार नाल लड़दी पई है। अकाली दल की सीनियर लीडरशिप हरसिमरत बादल जी के लीडरशिप के थले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाल उन्होंने इशू चुकिया। असी उत्थे अमेरिकन गवर्नमेंट नूं मिल के भी ये रिक्वेस्ट की है कि इन्हां नाल लीनियंट व्यू लिया जाए, इन्हां नूं वीजे दिते जाण, इन्हां नूं रेजिडेंसी दी जाए। खाली यही नहीं, एक सिख रेजिमेंट भी उत्थे गठन करन दी गल कीती है कि जिमें सैकेंड वर्ल्ड वॉर के जनरल आइजन हॉवर जेडे यूनाइटेड अलाइड फोर्सिज के चीफ कमांडर स, उन्होंने सिख फोर्सिज ने रल के हिटलर नू मात दिती सीगी। ते अमेरिका दे विच भी एक सिख रेजिमेंट बनाई जाए ताकि इत्थे भी सिखां नू रेजिडेंसी मिल सके। और इस तो इलावा जेडे मिसटेकन आइडेंटिटी के जेडे केसिज ने उन्होंने एजुकेट किया जाए अमेरिकन मासिज़ नू। 60% अमेरिकन नू हले भी नहीं पता कि सिख कौन ने। मैं समझदा वा कि उत्थे दी गवर्नमेंट नू स्कूलों दे विच एजुकेशन करनी चाहिए, इस चीज़ की शॉर्ट फिल्म बना के करनी चाहिए, सोशल मीडिया नू यूज़ करना चाहिए। और असी जेड़ा एक प्रचार किया जा रहा कि असी उत्थे इंक्वायरी मंगी है पूरे पोलिटिकल असाइलम लैण आलिया दी, मैं समझदा लोकी प्रचार कर रहे हैं कि जिन्हों शायद साढ़े को खतरा लगता। असी हमेशा अपनी कम्यूनिटी लिए लड़े हैं, अज तो नहीं लड़ रहे, कई सालों तो लड़ते पे हैं। 1984 का इंसाफ की गल हो, सज्जन टाइटलर की टिकटा कटाण की गल हो, 1984 का मेमोरियल की गल हो, विडोज़ की पेनशन की गल हो, उन्होंने बच्चों की एजुकेशन की गल हो। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी खाली यही नहीं, जेडे जेलों च बैठे ने सिंह उन्हों की जो देखभाल करती भी उन्होंने केसा की, उन्होंने जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट उन्होंने परिवारों को, वह असी पूरे करते हैं। और अगर ये काम करने उत्थे किसी तकलीफ है तो 100 बारी रवे, वो असी परवाह नहीं करते। असी हमेशा सिख कॉज ही लड़े हाँ, अपने उन्होंने भरावान लिए जे NRI बाहर बैठे ने, जिन्होंने अपनी मेहनत करके पिछले 30-35 साल अपने लिए अपने परिवार लिए एक इज्जत की जिंदगी बनाई है। अमेरिका और कैनेडा और बाकी मुल्कों के उतों के डिवेलपमेंट के हिस्सा बने ने। असी उन्होंने हर किस्म की सपोर्ट करांगे, भावें वीजिया की होवे, भावें उत्थे रेजिडेंसी की होवे। ये जिहड़े भी भुलेखे पा रहे हैं, इन्हां दी निखेधी करते हैं। आपने सुना किस तरह से मंजीत सिंह जी के ने अपने अमेरिका दौरे की उपलब्धियां बताई। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सिख वॉइस ऑफ इंडिया के साथ और लॉगिन करें www.sikhvoiceofindia.com।